नमस्कार किसान भाइयों, आज हम RVS 24, जिसे राजस्व 24 के नाम से भी जानते हैं, उसके प्लॉट पर खड़े हैं। ये सोयाबीन जो है बहुत ही अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी को हमने 5 जुलाई को लगाया था, जो कि आज लगभग 77 दिन के लगभग की हो गई है। बहुत ही अच्छा इसमें जो फलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा उम्र के हिसाब से हुआ है। ये जो वैरायटी है लगभग 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और किसानों को अच्छा उत्पादन दे सकती है। लगभग ये किसानों को 10 तक का एवरेज दे सकती है। अब हम चलते हैं दूसरे प्लॉट पर। अब हम दूसरे नंबर के प्लॉट पर खड़े हैं, जिसमें NRC 138 वैरायटी लगाई गई है, जो कि इंदौर के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से निकली हुई वैरायटी है। ये भी कम दिनों में पकने वाली वैरायटी है। ये भी लगभग 90 से 95 दिनों में पककर तैयार होने वाली अर्ली वैरायटी है। इस वैरायटी की जो खासियत है ये है कि इसमें इल्लियों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि इसमें रुएदार फलियां आती हैं। और इसमें जो फलियों की हम बात करें तो इसमें 2 से 3 दाने की फलियां होती हैं और फुटान अच्छी करता है। कम दिनों में पककर तैयार हो जाता है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिलती है। अब देख सकते हैं हम उसके प्लाट पर खड़े हैं, जिसमें हम आपको उसके जो अवस्था है 77 दिनों की, उसके हम बात करें तो इसमें लगभग दाना भर चुका है और ये पकने की कंडीशन पे आ चुका है। अब हम खड़े हैं तीसरे नंबर के प्लाट पर, जिसमें RVS 24 किस्म लगाई गई है। यह वैरायटी भी लगभग 90 से 95 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। इस वैरायटी को 2019 से किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इस वैरायटी को 95-60 का अच्छा विकल्प माना जा रहा है और उत्पादन भी अच्छा इससे लिया जा रहा है। अब हम आपको एक नई वैरायटी के बारे में बता रहे हैं, जिसकी केवल हमारे पास कुछ फोटोज़ ही हैं, जिससे हम आपको इस किस्म के बारे में बताएंगे। ये है JS 2172, जो कि 2022 में ही रिलीज़ हुई है। ये भी एक अच्छा उत्पादन देने वाली, कम दिनों में पकने वाली वैरायटी है, जो कि लगभग सभी जो फलियां आती हैं इसमें वो 3 से 4 दाने की होती है और किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा उत्पादन दे सकती है।